शाइनिंग इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति गौर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज हम पानीपत से जर्नी करते हुए पहुँच चुके हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में अभी हम हैं संगम में। संगम अपने आप में ही एक जानी मानी जगह है जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं आपको भी दिखाऊँ। तो चलो मैं आज लेके चलती हूँ आज आपको संगम में। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं संगम पे। संगम को जो है त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीन नदियों का संगम माना जाता है। माना जाता नहीं है, है एक गंगा, यमुना और सरस्वती, तो इसीलिए यहाँ पर त्रिवेणी कहा जाता है इस जगह को। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, यहाँ पर बोटिंग करके ये बिल्कुल मिड में जाते हैं रिवर के, और वहाँ पर नहाते भी हैं, इंजॉय करते हैं। और आज का मौसम तो इतना प्यारा हो चुका है, बारिश है और बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और बहुत प्यारा मौसम है। तो चलिए अब हम आपको बोट में भी लेके चलते हैं, और बिल्कुल बीचों बीच, तीनों नदियों के बीचों बीच संगम में आपको दिखाते हैं हम। चलना भी इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि जो पानी की आवाज है ऐसे कल 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 करके प्यारी है। साउंड शायद आपको आ रहा होगा पानी का, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा आज का। आज बहुत सारे दोस्त भी मिले यहाँ पर। आज यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आकर के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की एक खास बात क्या हो रही है कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और उस बारिश में मौसम इतना प्यारा, ठंडी हवाओं के साथ। और पहली बार मेरे को लगा कि कैसे दो नदियों का संगम, और एक तरफ बताया जाता है, एक तरफ बताया जाता है कि जैसे गंगा, दूसरी साइड यमुना, और दोनों का जैसे ही मिलन होता है तो तीसरी सरस्वती माँ। और यहाँ पर आगे जब मैंने पूछा भी सरस्वती कहाँ पर है, तो सरस्वती को बताया गया कि वो जमीन के अंदर होती है, तो इसीलिए वहीं पर त्रिवेणी संगम बनता है। पसंद आया होगा, थैंक यू। अब लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं।